28 फीट बाई 36 फीट का शानदार घर का नक्शा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 फीट बाई 36 फीट के नक्शे के बारे में। दोस्तों, अगर आपके प्लॉट का साइज भी 28 फीट बाई 36 फीट का है या फिर इस प्लॉट साइज के आसपास अगर आपके प्लॉट का साइज है, तो ये जो वीडियो है आप ही के लिए रहने वाला है। कंप्लीट बात दोस्तों हम इस डिज़ाइन की करेंगे, तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, तभी दोस्तों आपको जो ये डिज़ाइन है वो समझ में आएगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही डिज़ाइन देखने को मिलते रहेंगे। जब भी आप अपना घर बनाएंगे तो आप हमारे चैनल को देखिएगा, हो सकता है कि आपके प्लॉट साइज का नक्शा हमारे चैनल पर वो मिल जाए। और वीडियो को दोस्तों अभी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, मेन गेट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ दोस्तों, ये जो प्लॉट था इसके फ्रंट साइड में रोड है, बाकी तीनों साइड में अदर प्लॉट हैं, तो घर तो बनेगा ही, तो इसलिए हमने वेंटिलेशन का ध्यान रखते हुए बैक साइड में 2 फीट का और राइट साइड में भी 2 फीट का सेटबैक दिया हुआ है। तो चलिए मेन गेट से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। यहाँ पर देखिए आपका जो है यहाँ पर लगेगा मेन गेट, ठीक है, मेन गेट लगेगा यहाँ पर आपका। मेन गेट के ठीक सामने आपको मिलेगा इसमें एक कार पोर्च या फिर पार्किंग एरिया, ठीक है। और जो साइज है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 फीट 2 इंच बाई 13 फीट 8 इंच का दोस्तों हमने यहाँ पर ये पार्किंग एरिया दिया हुआ है, जो कि मतलब बाइक्स वगैरह तो आपका आसानी से पार्क हो जाएगा, या फिर छोटी कार जो पार्क हो जाएगी पर गेट तक आएगी। दोस्तों आगे की तरफ भी 2 फीट का सेटबैक छोड़ा हुआ है हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, देखिए राइट साइड में भी 2 फीट का जगह छोड़ा हुआ है वेंटिलेशन का, और बैक साइड में भी छोड़ा हुआ है 2 फीट का, ठीक है। आपको एक ड्राइंग इसमें मिलेगा 11 फीट 8 इंच बाई 11 फीट 3 इंच का, ठीक है। इसका वेंटिलेशन फ्रंट से हो जाएगा, 6 फीट का वीडियो में दिया हुआ है। और यहाँ पर ये जो डोर है इसका ड्राइंग में जाने के लिए वो दिया हुआ है 3 फीट 6 इंच का, ठीक है। एक जो फ्रंट का डोर है वो आप थोड़ा बड़ा रखिएगा, 3 फीट 6 इंच रखिएगा, इससे कम रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका ये मेन डोर है। और एक और डोर दिया हुआ है, अगर यहाँ पे कोई गेस्ट आके बैठा हुआ है तो आप देखेंगे यहाँ पर सीढ़ी के ठीक सामने 3 फीट 3 इंच का एक डोर है, अगर यहाँ गेस्ट आके बैठा हुआ है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं अपने लोबी एरिया में, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ से भी लोबी में आ सकते हैं और अपने ड्रॉइंग से भी आप लोबी में जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 4 फीट वाइड का एक आर्च, फ्लैट आर्च यहाँ पर होगा, ठीक है। और ये लोबी एरिया है 10 फीट 9 इंच बाई 7 फीट इंच का, ठीक है। यहीं पर एक किचन दिया हुआ है 7 फीट 6 इंच बाई 8 फीट का, और यहाँ पर आपका वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये वेंटिलेशन जो होगा इसका 4 फीट चौड़ाई होगा और 2 फीट इसका हाइट होगा, पर यहाँ पर ये जो वेंटिलेशन है वो 7 फीट हाइट पे होगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर विंडो नहीं होगा, मतलब विंडो जैसा ही होता है जैसे वेंटिलेशन होता है, तो वो आपका 4 फीट बाई 2 फीट का, एक साइड तो एग्जॉस्ट फैन आ जाएगा, बाकी जो जगह बचेगा वो आपका जैसा विंडो होता है वैसा ही आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 5 फीट बाई 7 फीट 6 इंच का कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है, और ये जो D2 आप देख रहे हैं, ये D2 का जो साइज है यहाँ पर टॉयलेट में जो डोर का साइज है वो 2 फीट 6 इंच हमने लिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बैक साइड में आपको मिलेंगे इसमें 2 बेडरूम, दोनों का साइज काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं एक बेडरूम तो ये है 11 फीट 8 इंच बाई 11 फीट का, ठीक है। और जो हमारा सेकंड बेडरूम है इसका साइज है 12 फीट 2 इंच बाई 11 फीट का, ठीक है। और इस वाले बेडरूम के साथ हमने एक डोर दिया हुआ है 2 फीट 6 इंच का बैक साइड में जाने के लिए। बाकी आप देख सकते हैं दोनों बेडरूम का अच्छे से वेंटिलेशन हो रहा है, 5 फीट का विंडो यहाँ पे है और 5 फीट का विंडो इस वाले बेडरूम में है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों इसके वॉल्स की, दोस्तों जितना भी इसमें आउटर वॉल है वो सभी वॉल इसमें 9 इंच का है, और यहाँ पर एक वॉल ये 9 इंच का है, बाकी ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर ये पार्टीशन वॉल है ये 4.5 इंचेस का, और ये भी 4.5 इंचेस का है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्टोव लगा के दिखाया हुआ है, यहाँ पर आपका ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं हमारा ये सिंक का सिंक रखा हुआ है, और ये जो रखा हुआ है यहाँ पर ये फ्रिज रखा हुआ है, ठीक है। बेडरूम में जाने के लिए जो आप देख सकते हैं डोर है वो 3 फीट 3 इंच चौड़ाई का है, इसमें क्या होगा कि 1.5 इंच का तो आपका चौखट बन जाएगा और 3 फीट का आपके पास क्लियर स्पेस मिलेगा अंदर जाने के लिए, ठीक है। बाकी आप पिलर्स देख सकते हैं यहाँ पर कितने कॉलम आ रहे हैं इसमें, देखिए 3 आगे हो गए, 3 यहाँ पे हो गए, 3 दूना 6 और 3 तिया 9 और 3 चौक 12 कॉलम इसमें आ रहे हैं,
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस डिज़ाइन में कुछ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।